नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का वर्ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर नगर पालिका में पिछले दो दिनों से डायरिया फैला हुआ है। नगर पालिका के सिसहनिया वार्ड से फैली डायरिया की बीमारी आजाद नगर, सरोजनी नगर, सिविल लाइन, बेलसर सहित कई वार्डों में फैल गई है। स्थानीय और पीड़ित परिवार इसके पीछे नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि डायरिया फैलने को लेकर नगर पालिका द्वारा नालियां की साफ सफाई, जल जमाव और दूषित पानी की सप्लाई प्रमुख वजह। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से नगर पालिका द्वारा पानी की सप्लाई के लिए डाली गई प्रमुख लाइन टूटी हुई थी। जहां यह पाइप लाइन टूटी है, उसके बगल में दूषित जल से भरा तालाब है, उसी पानी ने विकराल रूप ले लिया है। हालत यह है कि सिसहनिया वार्ड का कोई भी घर डायरिया की इस बीमारी से अछूता नहीं रहा है। जिला अस्पताल में मौजूदा समय में डायरिया के दर्जनों मरीज भर्ती हैं, जहां उनका इलाज हो रहा है। देखिए सर, मेरा नाम तो वैसे मनोज कुमार वर्मा है और ये मेरे सामने मकान है, मोहल्ला सिसहनिया और सिविल लाइन दोनों वार्ड लगता है। और अभी हालांकि बात कल से पता चला है कि डायरिया के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, मतलब इसमें जो बीमारी उत्पन्न हुई है वो अभी कल परसों से पता चल रहा है। और इस समय हमारे भी घर में दो तीन लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं इस चीज़ से। और जबकि पानी की जो समस्याएं आ रही हैं कि पानी, ये आप देख सकते हैं जाकर के, आप कभी भी चेक कर लीजिए तो पानी गंदा आता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि पूरा साफ आता है, उसमें कण भी आते हैं पानी में, वही इस समय हम लोग यूज भी कर रहे हैं पानी। जी सर, मेरे घर में तीन लोग बीमार हैं, जुलाब उलाब सब हो रहा है। डॉक्टर से यहाँ दवाई लेके आया गया, ये टंकी का पानी पी रहा जाता, हम लोग पूरे मोहल्ले में यही पानी चल रहा है। हाँ, गंदगी उंदगी है सब इधर। हाँ, आखिर सर सफाई तो करे चाहिए ना। नहीं, दवा दिए हैं दो दो गोली, सभासद साजिद जो सभासद हैं वो दवा दे के गए हैं कि डॉक्टर का टीम नहीं आई है, साजिदा हैं वही सभासद हैं जो, तो दवा दे के गए हैं दो दो गोली कि पानी में छोड़ छोड़ के पियो। मैं यहाँ से सिसहनिया वार्ड का सभासद हूँ, साजिद अली नाम है। मुझे कल जैसे ही पता चला कि मेरे वार्ड में कुछ लोगों को उल्टी दस्त हो रही है, मैं लगातार उनके घर पे पहुँचा तो पता चला वो संख्या बढ़ती गई और वो इतनी बढ़ी कि इस समय मैं समझ रहा हूँ कि तीन दिनों के अंदर लगभग 60 से 70 लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये मेरे ही वार्ड का मामला नहीं है, इसी से लगा हुआ सरोजिनी नगर है, उससे लगा हुआ बेलसड़ है, खजुरिया है, सिविल लाइन है, और तीन दिनों में ये तादाद लगातार 150 से 200 के करीब पहुँच चुकी है। हम लोगों ने लोगों से पहले तो लोगों को भर्ती कराया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनका इलाज शुरू कराया, उसके बाद एक जानकारी करने की कोशिश की गई कि आखिर ये हालात ऐसे हुए क्यों। पता ये चला कि यहाँ पे और जो वाटर सप्लाई जो होता है, जो जानकारी हम लोगों को मिली, उस वाटर सप्लाई में एक जगह जो है वो लीकेज है बहुत बड़ा, और वो लीकेज विगत 5-6 सालों से है। हम लोगों ने कई बार उस लीकेज को लेकर के एक संभावना जताई थी बोर्ड में कि भविष्य में ये चीज़ कभी भी दिक्कत पैदा कर सकती है। वहाँ पे 15 फीट का एक गड्ढा बन गया है, उसमें सुबह जब सप्लाई चालू की जाती है तो एक पानी भर जाता है, और जैसे ही सप्लाई टैंकी रोकी जाती है वो पानी पुनः उसी पंप में चला जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक CMO साहब भी आए थे मौके पे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी माना कि यही पानी जो सप्लाई हुई इसी दूषित जल से ही लोग बीमार पड़े हैं। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि आधे आधे घंटे जो है काला पानी गिरता है नल से, तो काला पानी गिरने के बाद भी वो पानी दूषित ही होता है कुछ देर तक, और वही पिया होगा। मेरा जहाँ तक मानना है CMO साहब के बताए अनुसार कि उसी दूषित पानी की वजह से ही लोग बीमार पड़े हैं। एक बात और आई है कि यहाँ पे जो अभी जल्द ही यहाँ की जो पानी की टंकी है, यहाँ पे जो सप्लाई हुई है, वो तो सप्लाई भी बहुत ही, एक तो बगल में तालाब है और बहुत ही उसका जो वाटर जो लॉगिंग जो है जो बोर हुआ है वो कम हुआ है, क्योंकि दो बोर होता है, दो बोर से ही एक और हेड टैंक का पानी भरा जाता है, एक बोर फेल हो चुका था तो आगे ही एक पोखरा है, वहाँ पर पता नहीं कौन इंजीनियर थे क्या थे, उन्होंने ऐसा माना कि यहाँ पर ही वो पास हो सकता है, उन्होंने उस पोखरे के ही ऊपर कुछ ही दूरी पर बोर करवा दिया, पानी का नया बोर हुआ है। और वो नया बोर मैं समझ रहा हूँ कि एक हफ्ता हुआ होगा वो पानी चालू हुए, और लीकेज भी वहाँ भी एक पाया गया है। और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग ने भी देखा है और जो हम लोगों ने भी लोगों से जानकारी की है, कहीं ना कहीं ये दूषित जल की सप्लाई की ही कमी से ये हुआ है, दिक्कत से हुई है, और चाहे अब उस बोर से हुआ चाहे इस बोर से हुआ, ये जो लीकेज है यही इसका कारण
हम लोगों के अब तक जो जानकारी उसके संज्ञान में आया, मैंने निकाय को सूचित किया, निकाय ने यहाँ पे जो है फॉगिंग सफाई सारा अभियान छेड़ रखा है। अब आगे सारे लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं, यही यहाँ की कहानी। देखिए ये चीज़ संज्ञान में आई है कि कुछ केसेस डायरिया के अलग अलग जगह पे निकले, कोई भी ऐसा नहीं कि कहीं पे आउटब्रेक हुआ है, और इस संबंध में ऑलरेडी ईओ को नगर पालिका को निर्देश दिए जा चुके हैं साफ सफाई स्वच्छता के रेगुलर बेसिस पे, और उसको और इंटेंसिफाई करते हैं। सीएमओ ने ऑलरेडी टीम डिप्लॉय कर दी गई हैं, आज उसको और ज़्यादा डिप्लॉय करके पूरा एरिया को ब्रशअप किया जा रहा है, और सबके मतलब स्कूल्स के टेस्ट भी लिए जाएंगे कि जिससे अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो अभी तक ऐसे कोई इशू नहीं है, बट जैसा आप लोग जानते हैं कि फ्लड का टाइम था और पानी रिसीव कर रहा है, तो वाटरबॉर्न डिजीज का थोड़ा सा इस टाइप से सीजन रहता है, तो पूरा उस पर नज़र है और कोशिश यही की जा रही है कि कहीं भी कोई भी ऐसा इशू ना हो और कोई भी बीमारी ना हो।